होशंगाबाद कलेक्टर कार्यालय के पीछे हरवल पार्क घाट पर झाड़ियों में मगरमच्छ का बच्चा मृत अवस्था में मिला, जिसके बाद नर्मदा घाट जाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मृत मगरमच्छ को बाहर निकाला और पंचनामा कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। वन विभाग की रेंजर प्रियंका बाथम ने बताया कि यह मगरमच्छ 2.5 से 3 साल का है। इसकी मौत कैसे हुई, इसकी पुष्टि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। देखने से यह हंटिंग केस लग रहा है। बताया जा रहा है कि इस जगह काफी समय में लकड़बग्घे घूमते रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मगरमच्छ रात में तट पर आ गया होगा, जिसे लकड़बग्घों ने ही मारा होगा। जांच की जा रही है, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे। जो उसका शव है उसको देख के लग रहा है कि लगभग ये 2.5 से 3 साल का रहा होगा। बाकी जो उसकी पूर्ण पुष्टि है कि भाई कितना पुराना है, किस उम्र का है, ये हम डॉक्टर के साथ पीएम रिपोर्ट दे दें, उसके बाद आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट बता पाएंगे कि कितना पुराना है, मृत्यु का क्या कारण रहा है, वो डिटेल्स हम आपको बाद में ही बता। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।